We greet each and every one of you seated before your television this important time of Holy Land. आप सभी दर्शक जो इस समय टीवी के सामने बैठे हैं, आप सभी को होली लैंड के इस महान अद्भुत प्रोग्राम में आपका हम स्वागत करते हैं। We are so happy that you could join us once again. Last week you heard so many things about King Herod. Today we are going on to a new subject and you'll find it equally interesting. पिछले हफ्ते हमने राजा हेरोदेस के जीवन के बारे में देखा और इस हफ्ते हम नई बात देखेंगे और मैं जानती हूँ कि आप इस बात को बहुत ही दिलचस्प रूप में पाएंगे। You see, last week, as I said, we discussed about the great King Herod, his successes and his failures. और हमने पिछले हफ्ते महान राजा हेरोदेस के बारे में देखा, उसकी सफलता और उसकी असफलताओं के बारे में भी हमने देखा कि वो किस तरह का राजा था। You all know the story of how he was noted for the slaughtering of the 2-year-old babies. आप सब ये कहानी जानते हैं कि कैसे वो 2 साल से कम उम्र के बच्चों के मारे जाने के लिए जिम्मेदार व्यक्ति था। Especially the baby boys. खास करके जो लड़के पैदा हुए थे उन्हें उसने मारा। And this took place in and around Bethlehem. और ये तो बेतलहम में और उसके आसपास की जगह पर हुआ। His aim was to somehow kill baby Jesus. उसका लक्ष्य यही था कि किसी तरह से बालक यीशु को वो मार दे। But God had different plans how to protect the baby. लेकिन परमेश्वर के पास में बिल्कुल अलग योजना थी कि किस तरह से वो इस बालक को बचा कर रखे। He was also called Herod the Magnified. और उससे महान हेरोदेस के रूप में भी जाना जाता है। Because he has rebuilt the second temple. क्योंकि उसने उस दूसरे भवन को फिर से बनाया था, उसे बहुत ही सुंदर तरीके से बनाया था। In a very massive and magnificent way. बहुत ही बड़े और बहुत ही आलीशान तरीके से, बहुत ही शानदार तरीके से उसने इस भवन को बनाया था। I would say, unfortunately, he was not alive when the temple was completed. मैं तो यही कहूंगी कि दुर्भाग्यवश जब वो भवन का काम पूरा हुआ वो जीवित नहीं रहा। As per prophecy of Jesus Christ, यीशु मसीह की भविष्यवाणी के अनुसार, the temple was burnt down to ashes in 70 AD. ईस्वी सन 70 में जो भवन है वो पूरी तरह से राख बना दिया गया। And that too after a time span of 40 years. और वो भी केवल बस 40 साल के समय के बाद में। Nevertheless, the prophecy was fulfilled. कुछ भी हो, भविष्यवाणी तो पूरी हो गई। The whole second temple was completely destroyed except the western wall. और पूरा जो भवन है वो तो पूरी तरह से नाश कर दिया गया, केवल पश्चिमी दीवार यानी वेस्टर्न वॉल जो है वो ही छोड़ दी गई। Probably I presume Jesus while visiting the temple he would have visited the swelling wall. और निश्चय ही मैं इस बात का अनुमान लगाती हूँ कि जब भी यीशु यहाँ पर इस भवन के पास में आता तो निश्चय उस वेलिंग वॉल के पास भी जाता होगा। There are many holy places in Israel which was visited by Jesus Christ. और इसराइल में ऐसे बहुत से पवित्र स्थान हैं जहां पर यीशु मसीह अपने जीवन काल में निश्चय ही गया होगा। Today it is used as a historical monument. आज तो उसे ऐतिहासिक स्मारक के रूप में माना जाता है, गिना जाता है। Today we have a very interesting topic. I'm sure you all are going to enjoy this very much. और निश्चित आज हमारे पास में बहुत ही दिलचस्प ऐसा विषय है, मैं जानती हूँ कि आप इसका बहुत बहुत आनंद उठाएंगे, इसका आनंद उठा पाएंगे। And this place is called Jesus Town. और इस शहर को या इस जगह को यीशु का नगर कहते हैं। Whom the historian says probably was a minor prophet as Nahum's place. और जैसे कि हम देखते हैं अभी यहाँ पर शब्द नहुम, यानी इतिहासकार इस तरह से कहते हैं कि जो छोटा भविष्यवक्ता था नहुम, ये तो निश्चय उसी की जगह होगी। But unfortunately, there is no official record to endorse the statement. लेकिन इस वाक्य के साबित करने के लिए यहाँ पर कोई भी ऑफिशियल रिकॉर्ड हम नहीं देख सकते हैं। कफरनहूम इज अ हिब्रू वर्ड। कफरनहूम ये एक हिब्रू शब्द है। इट वॉज नोन एज अ फिशिंग विलेज और इसे मछुआरों के गांव के रूप में जाना जाता था। During the time of Hasmonos. हास्मोनोस के राज्य के समय में। A few weeks ago I explained about Hasmoneans. There was a guerrilla warfare. और जैसे मैंने कुछ हफ्तों पहले आपको बताया था, हस्मोनियम जो कि गोरिल्ला युद्ध की तरीके से युद्ध करते थे। Between the Jews headed by Hasmoneus. और ऐसे यहूदी जिनका मुखिया यहाँ पर हस्मोनियस था। And also the Greeks. और साथ में ऐसे ग्रीक लोग भी थे। History tells us, इतिहास हमें बताता है that this guerrilla warfare took 25 years. कि ये जो गनीमी रीति से युद्ध करना ये 25 साल तक चला। And finally they came to an agreement. और फिर अंत में वो एक तरह से समझौता करने लगे। That is between the Greeks
एंड द हार्मोनियम्स, यानी ये तो ग्रीक और हार्मोनियम लोगों के बीच में समझौता होने लगा। इट्स इंटरेस्टिंग टू नो दैट किंग हेरोद केम फ्रॉम द हार्मोनियम ट्राइब। और ये बात जानना तो बहुत ही दिलचस्प है कि राजा हेरोदेस जो है वो तो हार्मोनियम गोत्र से आया था। आर्कियोलॉजिकल एविडेंस डेमोंस्ट्रेट कर्पनम वाज एस्टैब्लिश्ड इन द सेकंड सेंचुरी। और आर्कियोलॉजिकल जो इतिहासकार जो है वो कहते हैं कि कफरनहूम जो शहर है वो दूसरी सदी में बनाया गया शहर है। कफरनहूम इंक्रीज्ड टू अ लार्जर नंबर ड्यूरिंग जीसस टाइम। और यीशु का जब समय था उस समय कफरनहूम जो है उसकी संख्या बहुत ही बढ़ती चली गई, जनसंख्या बढ़ती गई। वेयर इन द मैप विल दिस कफरनहूम बी? शायद आप ये सोचे कि नक्शे में ये जो कफरनहूम है वो कहाँ पर होगा? बॉर्डर ऑफ द हाईवे बिटवीन जॉर्डन एंड इसराइल। ये तो जॉर्डन और इसराइल के बीच में जो महामार्ग है ये तो उसके किनारे पर है। व्हेनेवर यू थिंक ऑफ बॉर्डर्स यू मस्ट थिंक व्हेयरएवर देयर इज अ बॉर्डर इन एनी कंट्री देयर विल बी डेफिनेटली अ कस्टम्स लाइन। और निश्चय ही अब जब भी यहाँ पर सीमा के बारे में देखते हैं, किसी भी देश की सीमा, तो निश्चय आप जानेंगे कि वहाँ पर कस्टम्स लाइन तो जरूर होगी। द ऑफिशियल कस्टम्स एट दिस बॉर्डर टू कलेक्ट टैक्सेस फ्रॉम फॉरेनर्स। और यहाँ पर जो सीमा पर जो थे कस्टम वाले जो अधिकारी थे वो विदेशियों से कर लिया करते थे। Amazingly, this is how Jesus identified Matthew. और बहुत ही अद्भुत रीति से यहाँ पर हम देखते हैं कि यीशु ने मत्ती को यहीं पर से चुना एज ए टैक्स कलेक्टर, जो कि एक चुंगी लेने वाला था। सिंस इट इज अ बॉर्डर, और हालांकि एक सीमा थी, ऑलवेज देयर विल बी अ मिलिट्री गैरिसन प्रेजेंट। हमेशा यहाँ पर जो है वो सेना या कहिए फौज उपस्थित हुआ करती थी। कफरनहूम नियरेस्ट विलेज टू रिवर जॉर्डन एंड नॉर्थ वेस्ट सी ऑफ गैलिली। और ये तो यर्दन नदी के बिल्कुल करीब का ऐसा गांव है, और गलील की झील के पास में ये उत्तरी पश्चिमी सीमा है। कफरनहूम वाज नियर अ मोस्ट कंटीन्यूअस फ्लो ऑफ स्प्रिंग वाटर। और यहाँ पर कफरनहूम एक ऐसी जगह पर था जहाँ पर झरने का पानी हमेशा That होता made था it so special. और इसी के कारण ये जो है बहुत ही विशेष हुआ। That goes from Gennesaret or to Sea of Galilee. ये तो यहाँ पर गन्नेसरत से लेकर गलील के झील तक जाता This है। Place is also known for the seven springs. और ये जो जगह है ये तो सात सोतों के बारे में भी बहुत विख्यात जगह है। Jesus Christ selected this town as a center for his public ministry. यीशु मसीह ने इस नगर को चुना अपनी सार्वजनिक सेवकाई के मुख्य केंद्र के रूप में, उसने इसे चुना। That is from Galilee, यानी गलील से। After he left a small hamlet of Nazareth, और वो वहां से निकला उस छोटे से शहर जगह नासरत से। If we say a small hamlet, you may be thinking, what on earth is this? It's a small town or a village. अगर हम कहें हैमलेट, आप कहेंगे ये क्या है, ये तो सच में एक छोटा सा नगर या कस्बा है। Matthew 4:12-13 मत्ती अध्याय 4 वचन 12 से 13 में हम इस तरह से देखते हैं। He left Nazareth when he heard about John the Baptist. जब उसने यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के बारे में सुना तो वो नाजरत से निकल पड़ा, इस तरह से बाइबल कहती है। Who was imprisoned. जो कि वहाँ पर ये जो यूहन्ना है जेल में था। Jesus Christ left Nazareth and stayed in Capernaum near the seashore of Galilee. यीशु मसीह जो है वहाँ पर नासरत से निकला और कफरनहूम में रहने लगा, जो कि गलील के बिल्कुल समुद्र किनारे का भाग था। Luke writes somewhat differently. लूका इसके बारे में थोड़ा सा हटकर या कुछ अलग ही लिखता है। After his 40 days of fasting, he came to Nazareth. और ये इस तरह से लिखता है कि 40 दिन उपवास करने के बाद में वो नासरत को आया। Then he went to the synagogue on a Sabbath day. वहाँ पर सब्त के दिन आराधनालय में जाता है। He was then given the Torah. और उसे वहाँ पर तोरा दिया गया था। As per custom, any rabbi that visited the synagogue will be given a Torah to read and to speak a word of their heart. और निश्चय रीति रिवाज के अनुसार कोई भी रब्बी जब भी आराधनालय में आता तो उसे तोरा दिया जाता था कि वो उसमें से एक वचन पढ़े और अपने दिल से कुछ बात उन्हें बताएं। Then we see Jesus open to the book of Isaiah. और हम ये भी देखते हैं कि यहाँ पर यीशु ने यशायाह की किताब निकाली और उसने उसमें से वचन Isaiah, पढ़ा। Which was mentioned about him in Luke 4:17-31. और यहाँ पर देखते हैं यशायाह उसी के बारे में बता रहा है, लूका अध्याय 4 वचन 17 से लेकर वचन 31 तक। Now the people who heard the word, they were surprised about the word and the emphasis. जिन लोगों ने इन वचनों को सुना वो तो इन वचनों के जोर पर या उसके कहिए उसके अधिकार के ऊपर चौंक गए। They could not believe.
वो विश्वास ही नहीं कर पाए। The people had unbelief in their hearts. लोगों के दिल में तो यहाँ पर अविश्वास था। So to satisfy their hearts, they commented that he's only the son of a carpenter, Joseph. और बस अपने दिल को तसल्ली देने के लिए वहाँ पर उन्होंने कहा, अरे ये तो यूसुफ जो यहाँ का बढ़ाई है, उसी का बेटा है। We take note that many healings have taken place in this place called Capernaum. देखिए हमें यहाँ पर ध्यान देना होगा कि कफरनूम नाम की जगह पर बहुत सी चंगाइयाँ हुई थी। Jesus Christ stayed in Capernaum permanently. कि यीशु वहाँ पर काफी समय तक रहा। Probably he would have stayed there for a few days or weeks. या हो सकता है कि शायद वहाँ पर कुछ ही दिन या कुछ हफ्तों के लिए ही वो रुका हो। John writes in his gospel in John, second chapter, 12th verse. यूहन्ना अपने सुसमाचार में इसके बारे में लिखता है, यूहन्ना अध्याय 2 वचन 12 में। After this, he went down to Capernaum. और इसके बाद वो कफरनहूम में जाता है। He and his mother and his brethren. वो और उसकी माँ और उसके भाई जाते हैं। And his disciples. और उसके चेले भी जाते हैं। And they continued not many days in Capernaum. वो वहाँ पर कफरनहूम में ज्यादा दिन तक नहीं रहे। There is a possibility that Capernaum is the native place of Peter the disciple. और देखिए इस तरह की संभावना बताई जाती है कि पत्रस जो कि चेला था ये उसकी जगह होगी या उसका Maybe नगर होगा। Jesus preferred to stay in Capernaum for a few days. या हो सकता है कि यीशु ने यहाँ पर केवल कुछ दिनों तक रहने के लिए विचार किया Because हो। of the many miracles that took place in the city of Capernaum. क्योंकि कफरनहूम नगर में यहाँ पर बहुत से चमत्कार हुए थे। And of all the miracles, the most important was the paralytic man. और इन सभी में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण जो चमत्कार था वो तो लकवे के मारे व्यक्ति का चमत्कार था। Not only was it important, it was also significant. ये केवल महत्वपूर्ण ही नहीं था लेकिन ये सच में बहुत ही जरूरी भी था। The three gospels mention this. तीनों सुसमाचार में इसके बारे में बताया गया है। Matthew in chapter 9 verses 2 to 8. मत्ती अध्याय 9 वचन 2 से 8 में इसके बारे में यहाँ पर बताता है। Mark 2 verses 1 to 12. मरकुस अध्याय 2 वचन 1 से 12 इसके बारे में बताता है। And in Luke 5 verses 17 to 26. और लूका अध्याय 5 वचन 17 से वचन 26 तक इसके बारे में हमें बताता है। Somehow we see that John did not have any mention of this particular miracle. किसी तरह से हम देखते हैं कि यूहन्ना जो है इस खास चमत्कार के बारे में हमें नहीं बताता है। Now let us see what Matthew says. I think probably Matthew was not present at the venue of the incident. अब चलिए देखें यहाँ पर मत्ती क्या कहता है। शायद हो सकता है कि इस घटना के समय में वहाँ पर उस समय मत्ती जो है उपस्थित ना हो। That is probably the reason why he does not elaborate on the details of the miracle. और शायद यही कारण होगा कि उसने इन सारे चमत्कारों को बहुत ही विवरण से नहीं बताया है। But nevertheless, in chapter 9, verse 2, he says. लेकिन कुछ भी हो अध्याय 9 वचन 2 में वो इस तरह से कहता है। Behold, they brought a man sick of palsy. देखो वो उसके पास में एक झोले का मारा या लकवे का मारा लेकर आए। Lying on a bed. जो कि बिस्तर पर पड़ा था। And then he briefly said. और फिर उसने संक्षिप्त में कहा। And Jesus, seeing their faith, said to the sick man of the palsy. और यीशु ने उनके विश्वास को देखकर इस झोले के मारे हुए व्यक्ति से कहा। It's amazing how Jesus spoke directly to the patient now. ये देखिए यहाँ पर बहुत ही अद्भुत बात है कि कैसे यीशु सीधा यहाँ पर इस मरीज से बातें करता है। And he said, "Son, be of good cheer." और वो कहता है कि मेरे पुत्र धाड़स बांध। Thy sins be forgiven thee. तेरे पाप क्षमा कर दिए गए हैं। There's no dramatic explanation of the incident. और यहाँ पर इस घटना के बारे में कोई भी नाटकीय विवरण नहीं दिया गया है। Then if you read Matthew 9:9, और अगर आप यहाँ पर मत्ती अध्याय 9 वचन 9 पढ़ते हैं, we find that Matthew himself states that Jesus Christ met up with him at the customs receipt. और यहाँ पर हम देखते हैं कि मत्ती खुद कहता है कि वहाँ पर कस्टम की जगह पर यीशु मसीह खुद उससे मिलता है, यानी चुंगी लेने की जगह पर वो उससे मिलता है। And asked him to follow Jesus. और वो यीशु उससे कहता है कि तुम मेरे पीछे हो ले। Now we look at the book of Mark chapter 2 verses 1 to 12. अब यहाँ पर हम देखते हैं मरकुस अध्याय 2 वचन 1 से 12 में हम देखते हैं। He probably also was not present at the place and would have got all the information from Peter, of course. और यहाँ पर हो सकता है कि ये उस जगह पर उपस्थित न हो और उसने अवश्य ये सारी जानकारी पत्रस की ओर से प्राप्त की होगी। He mentions that when people heard about Jesus Christ in the house of Capernaum, they all came to see him.
वो इस तरह से बताता है कि जब लोगों ने सुना कि यीशु वहां पर कफरनहूम में किसी एक के घर में रुका है तो वो सब उसे देखने के लिए मिलने के लिए आए। No details about the house. और ये घर किसका था इसके बारे में हमें कोई भी विवरण नहीं दिया गया। Many Pharisees and scholars, Bible scholars, scribes came to listen to his speech, which was very important. और बहुत से शास्त्री और बहुत से विद्वान जो थे बाइबल के विद्वान वो उसकी बात सुनने के लिए वहां पर इकट्ठा हुए थे। ये तो बहुत ही प्रभावी बात थी। Now the only reason why the large numbers assembled is because of the many miracles that have taken place. अब वहां पर बहुत सी भीड़ बस इसीलिए इकट्ठा होती थी क्योंकि वहां पर उस समय बहुत से चमत्कार हुआ करते थे। I could just imagine this big room with it's a big house and Jesus is standing in one corner and he's talking about the miracles. और निश्चित ही यहाँ पर मैं कल्पना कर सकती हूँ कि यीशु एक बहुत बड़े कमरे में वहां पर एक कोने में खड़ा है और वहां पर वो बहुत से चमत्कारों के बारे में उन्हें बताता है। लोग अपने जीवन में बहुत से चमत्कार प्राप्त करते हैं। Because the crowd was so large, he was standing in that corner. और ये जो भीड़ थी ये तो इतनी ज्यादा थी इसलिए यीशु यहाँ पर मानो किसी कोने में खड़ा होगा। Then what they did, they tried to bring the paralytic man on the bed into this big room where Jesus and all these crowded people were seated. तो इन लोगों ने क्या किया, उस झोले के मारे व्यक्ति को उसकी खाट के साथ में इस बड़े कमरे में लाने की कोशिश की जहाँ पर स्वयं यीशु मसीह बैठा था। But this is just a personal opinion. Probably the paralytic man was a rich man, therefore he had hired servants to carry his bed. अब देखिए ये तो केवल अनुमान है कि हो सकता है कि वो झोले का मारव जो व्यक्ति है वो धनी होगा और उसने अपने बिस्तर को उठाकर ले चलने के लिए कुछ लोगों को पैसे दिए होंगे। And he also gave specific instructions to take him to Jesus to be healed. और निश्चय उसने उन्हें निर्देश भी दिया होगा कि वो यीशु के पास में उसे लेकर जाए ताकि वो यीशु की ओर से चंगाई प्राप्त कर सके। But we see these four men could not even get in, or neither did they get near Jesus. लेकिन हम ये देखते हैं कि ये चार लोग जो है वो भीतर भी नहीं जा पाए और किसी तरह से भी वो यीशु के पास में नहीं पहुंच पाए। The four men with the paralytic man, they need to go up to the wall of the roof and then they needed strong ropes to carry the lifting of all of these five men to the roof and then lowering them down. अब देखिए यहाँ पर इन चार लोगों को ऊपर छत पर जाना पड़ा और उसके बाद में इन्हें बहुत ही मजबूत रस्सियों की जरूरत पड़ी ताकि वो सारी छत खोलने के बाद में इस झोले के मारे व्यक्ति को वहां पर छत पर से नीचे रस्सियों के सहारे यीशु के सामने में उतार सके। This whole incident was witnessed by the people inside the house and also Jesus Christ. और यहाँ पर ये जो पूरी घटना है वहां पर उस घर के अंदर बैठे हुए सभी लोगों ने और यीशु मसीह ने भी इसे देखा। You see, Jesus Christ was preaching, but he would have looked in awe at how these people, what faith they had to come in this fashion. देखिए यीशु मसीह तो यहाँ पर प्रचार कर रहा था लेकिन सच में वो भी चौंक गया होगा कि इन लोगों के पास में कितना विश्वास है कि ये उसके सामने इस तरह से आ रहे हैं। He would have come forward to the paralytic man and probably the paralytic man begged him for healing. वो शायद वहां पर उस झोले के मारे व्यक्ति के सामने आए होंगे और ये जो झोले का मारा व्यक्ति है वो यीशु से चंगाई के लिए कह रहा होगा। And somehow these poor men who were carrying the bed, they also had some faith this man will be probably healed. और निश्चित ये लोग जो यहाँ पर यीशु के सामने इस व्यक्ति को झोले के मारे हुए व्यक्ति को लेकर आए शायद उनमें भी विश्वास होगा कि ये व्यक्ति चंगाई Jesus पाएगा। Jesus never said, लेकिन यीशु ने कभी ये नहीं कहा, You are healed, get up and go. कि तू चंगा हो गया तू उठ और चल फिर। But he had a different approach and a different style. लेकिन बिल्कुल अलग तरीके से उसने बिल्कुल अलग तरह से यहाँ पर कुछ और ही कहा। He told the paralytic man, उसने इस लकवे के मारे हुए व्यक्ति से इस तरह से कहा, Son, thy sins have been forgiven thee. हे पुत्र तेरे पाप क्षमा कर दिए गए, इस तरह से यीशु ने But कहा। But you can imagine the scribes and the Pharisees how they were shocked. They reasoned in their heart. Only God can forgive sins. How can this man forgive sins? अब देखिए यहाँ पर ये जो शास्त्री और जो फरीसी लोग थे वो अपने दिल में इस तरह से सोचने लगे कि केवल परमेश्वर ही क्षमा कर सकता है, ये कौन सा व्यक्ति है जो पापों की क्षमा कर सके, केवल परमेश्वर ही क्षमा कर सकता है। Jesus immediately knew their thoughts and said, यीशु तुरंत ही उनके विचारों को जान गया और उसने कहा, But that ye may know that the Son of Man had power to forgive sins. कि तुम ये जान लो कि मनुष्य के पुत्र के पास में पापों को क्षमा करने की सामर्थ भी है। Then Jesus looked at the paralytic man and said,
और फिर यीशु ने उस झोले के मारे व्यक्ति को देखा और उससे कहा, Maybe it was a very loud command. शायद हो सकता है कि उसने वहां पर बड़े जोरों के शब्द से कहा, Arise, take up thy bed and go. उठ, खड़ा हो, अपना बिस्तर उठा और जा. Go thy way into thine house. और तू अपने घर को चला जा, इस तरह से उसने कहा. I'm sure this would have all the ears and all the eyes would have been fixed on this paralytic man now. और निश्चय मैं जानती हूँ कि सभी लोग जो हैं उनकी आँखें अब इस झोले के मारे व्यक्ति की ओर ही लग गई होगी. Three clear points in the instruction. यहाँ पर इस निर्देश में तीन स्पष्ट ऐसे पॉइंट्स दिए गए हैं. Get up. कि उठ खड़े हो. Take thy bed. अपनी खाट उठा. And to walk. और तू चल. If you were present at this time, there was silence everywhere, and the paralytic man gets up, takes his bed, and walks. Immediately, there's a great shouting and clapping and praising of God that was going on. और निश्चय अगर आप यहाँ पर होते तो आप इसे देख पाते कि ये झोले का मारा, लकवे का मारा व्यक्ति उठता है, अपनी खाट उठाता है और चलने लगता है. तो तुरंत ही यहाँ पर बड़े जोर से लोग बड़ी खुशी के मारे चिल्लाते हुए ताली बजा रहे होंगे. Now we see what records Luke has written in Luke chapter 5 verse 17. लूका अध्याय 5 वचन 17 में लूका इसी घटना के बारे में हमें बताता है. It says it and it came to pass on a certain day that he was teaching. और वो कहता है कि एक दिन ऐसा हुआ कि वो उपदेश दे रहा था. They were Pharisees, doctors and people of law sitting by, which would come out of every town of Galilee, Judea and Jerusalem. वहां पर फरीसी, शास्त्री और वहां पर विद्वान लोग थे जो गलील और यरूशलेम के हर एक प्रांत से वहां पर इकट्ठा हुए थे. I'm sure you're going to be rather shocked now at the next incident. और अगली बात को सुनकर मैं जानती हूँ कि आप भी चौंक जाएंगे. Many people have come to this house in Capernaum. बहुत से लोग कफरनूम के इस घर में इकट्ठा हुए थे. Now remember, Jerusalem to Capernaum is roughly 194 kilometers. अब आपको याद रखना होगा कि यरूशलेम से कफरनूम जो है वो तो लगभग 194 किलोमीटर है. Luke writes, लूका इस तरह से लिखता they है, carried the paralytic man. वो उस झोले के मारे व्यक्ति को लेकर आए. Four people went on the housetop and let him down through the tiling. चार लोग जो है घर के ऊपर चढ़े और उन्होंने उस छत पर से उसे नीचे भेजा. Luke says, लूका कहता है, tiles. वो कहता है tiles. Probably Luke visited Capernaum before writing this gospel. शायद हो सकता है कि लूका ये सुसमाचार लिखने के पहले कफरनहूम में गया होगा. Luke narrates the same as what Mark had written. और मरकुस ने जो लिखा है लूका भी बिल्कुल उसी तरह से इसके बारे में बताता But in है. verse 25, लेकिन वचन 25 में आप जरा इसे देखें. Immediately before them he took up the bed whereon he lay and departed to his own house glorifying God. वो तुरंत उनके सामने उठा और जिस पर वो पड़ा था उसे उठाकर परमेश्वर की बढ़ाई करता हुआ अपने घर चला गया. Luke mentions the paralytic man glorified God and went away. और लूका इस तरह से बताता है कि लकवे का मारा व्यक्ति जो है परमेश्वर की महिमा करते हुए वहां से चला गया. I do hope you have more light on the healing of the paralytic man. और निश्चय मैं जानती हूँ कि आपने यहाँ पर इस लकवे के मारे की चंगाई के बारे में कुछ प्रकाशन की बात पाई. And it is our prayer that you take note of all the details we have found and written for you. जो भी विवरण हमने देखे और आपके लिए लिखे हैं, आप इन सभी बातों की ओर गौर करते जाएं. And we pray to God that you go over these notes again, what Luke, what Mark had written. It will really give you joy in your heart. और निश्चय हम यही प्रार्थना करते हैं कि जो कुछ भी लूका ने और मरकुस ने लिखा है आप उन बात के ऊपर गौर करते जाए, यह आपके दिल में बड़ी खुशी लेकर आएगा. And if you are sick and you are wondering whether you are going to be healed, this is a wonderful miracle that God did to this paralytic man. Claim the miracle and you will be healed. यदि आप बीमार हैं, आप सोच रहे हैं कि क्या आप चंगाई पाएंगे, यहाँ पर प्रभु ने इस झोले के मारे व्यक्ति को चंगाई दी और निश्चय आप इसे पढ़े, अपनी चंगाई का दावा करें और आप चंगाई पाएंगे. Because Jesus has already forgiven us of all our sins. क्योंकि यीशु मसीह ने हमारे सारे पापों को क्षमा कर दिया है. God bless you all. परमेश्वर आप सभी को आशीष दे. Till we meet again next week.